हेलो बच्चों द क्वेश्चन इज फ्रॉम कोलमसला एंड क्वेश्चन लाइन एंड नथिंग हमारा जो यहाँ पे की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है की कंसेप्ट हमारा यूज होगा कि हमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो देखना है हमें क्या चेक करना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट हमारा कब फ्लो करेगा तभी फ्लो करेगा जब हमारा क्या होगा सर्किट क्या होगा कंप्लीट होगा सर्किट जब कंप्लीट होगा तभी हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा अब हमारे पास क्या है ये एक हमने एज्यूम करी है ये हमारी क्या है एक पावर लाइन है और इस पे हमारा यहाँ पे क्या है एक बर्ड सिट कर रहा है अगर ये हमारा बर्ड है तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बर्ड के और अर्थ के बीच में ये हमारी क्या है अर्थ बर्ड के ये हमारा है बर्ड सो बर्ड के और अर्थ के बीच में क्या है सर्किट कंप्लीट नहीं है सो सर्किट इज सर्किट इज नॉट नॉट कंप्लीट कंप्लीट इन बिटवीन इन बिटवीन बिटवीन बर्ड एंड अर्थ तो अगर जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं है तो नो करंट फ्लोस इसका क्या मतलब हुआ नो करंट फ्लोस की करंट फ्लो ही नहीं करेगा अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो बर्ड को होगा कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब नथिंग हैपेंस टू नथिंग हैपेंस टू बर्ड हैपेंस टू बर्ड अब अगर सेम केस में हम एक जो एक मैन है वो क्या कर रहा है वो अर्थ पे स्टैंड कर रहा है ये हमारा क्या है मैन है जो कि अर्थ पे स्टैंड कर रहा है ये क्या करेगा जब इसको टच करेगा ये इसको जब टच करेगा तो क्या होगा यहाँ पे सर्किट क्या होगा सर्किट हमारा क्या होगा कंप्लीट होगा अगर ये हमारा सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो हमारा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या करेगा फ्लो करेगा like इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज होगा तो इसको क्या लगेगा एक फैटल शोक लगेगा फैटल शोक इसलिए पावर लाइन है वो क्या है हाई हाई पावर लाइन है सो so, इस वजह से हमारा क्योंकि मैन के साथ जो अर्थ का है वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है इस वजह से उसको क्या फील होगा शोक फील होगा थैंक यू हो ग्यू अंडरस्टूड इट ट्वेल्व